बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हेल्थ के इंडेक्स पे बिहार को 60 राज्यों में शामिल बताया गया। हेल्थ के मामले में प्रगति पिछले कई वर्षों से देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में काफी कम है। अब इस विफलता के बाद साफ साफ जब नीति आयोग ने भी कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे स्टेप्स नहीं लिए गए, ऐसी स्थिति इसलिए बनी है। अब इस परिस्थिति में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि राज्य सरकार गरीब लोगों के इलाज के लिए दावा करती रही है कि हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी व्यवस्था नहीं की। नतीजा सामने है, अभी भी मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटी या घट रही है, बच्चे मर रहे हैं। अगर राज्य की सरकार की ओर से खासकर नीतीश जी के ऊपर इतना भरोसा था बिहार के लोगों का, 15 वर्षों में अगर इन्होंने कोशिश की होती तो आज सुबह के नौनिहालों की मौत इस रूप में नहीं होती। स्पष्ट है इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है। रेल मंत्री होते हुए जब ट्रेन दुर्घटना होती है, लोगों की मौत इनकी आत्मा को झकझोर जाती है और इस्तीफा करने की बात करते हैं। कई मामलों में जीवन पैरोडेस की बात करते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी जवाब देने लग जाती है। आखिर लगभग 250 बच्चों की मौत हुई है, अभी भी हो रही है, और रेल दुर्घटना के समय उन्होंने इस्तीफा की बात की थी, इसमें भी खुद ही इस्तीफा की बात करेंगे। जब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, नीति आयोग ने कहा है किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, इनकी विफलता है बिहार सरकार की। अब तक इनकी आत्मा को झकझोरने का काम बिहार के बच्चों की मौत नहीं कर पाई। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तय किया है कि हम सड़क पर उतरेंगे और उनसे इस्तीफा मांगेंगे। जितनी जल्दी हो सके बिहार की गद्दी इनको खाली करनी चाहिए, इनको जाना चाहिए। हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों नौनिहालों की मौत इस तरह से होती रहे और राज्य की सरकार के लोग गद्दी पर बैठे रहे, कोशिश से उनकी ओर से कुछ भी न की जाए, 15 वर्षों में नहीं की गई, अब ऐसी स्थिति में आंख बंद करके हम लोग बैठे नहीं रह सकते। इसलिए सड़क पर उतरने का फैसला राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया है और इस क्रम में दो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं। पहला कार्यक्रम 29 तारीख को होगा, शामिल रहूंगा। 29 तारीख को मुजफ्फरपुर में महाधरना होगा, उस धरना के माध्यम से नीतीश कुमार जी से इस्तीफे की मांग करूंगा। और फिर दूसरा कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह में, तारीख जब तय करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर से
पदयात्रा होगी। पदयात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू करके पटना तक हम आएंगे। तो अपनी छवि को बचाए रखने के लिए जब उस समय कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं तो इस बार भी उनको करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में इस्तीफा नीतीश कुमार जी करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोगों ने जो कार्यक्रम तय किया है कार्यक्रम हमारा होगा। और फिर फिलहाल दो कार्यक्रम हमने तय किए हैं, आगे भी आप सहायता के अनुसार आपको हम बताएंगे। ये बिहार में हम इस आंदोलन को ले जाएंगे और जनता बिहार की आक्रोशित है ही। सबसे प्यारा किसी भी व्यक्ति के लिए उसका बच्चा होता है, और बच्चा किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं, तो ऐसे राष्ट्र का धरोहर होता है, समाज का धरोहर होता है। और इस तरह से नौनिहाल बच्चों की रोज मौत, गरीब परिवार के बच्चों की मौत अब बिहार नहीं बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए इनसे मांग है या अविलंब इस्तीफा करें, और नहीं तो कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया सड़क पर। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल्लू कुशवाहा में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि रालोसपा जो है फिलहाल राजद और कांग्रेस के साथ नहीं है, अकेले मार्च करने का क्या मतलब? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र कुशवाहा जी ने जो निर्णय लिया है, यह रालोसपा का अपना निर्णय है। महागठबंधन की बात है वो हमारी हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से अपना काम कर रही है, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, आर जे डी अपने स्तर से काम करेगी, गठबंधन के लोग अपने स्तर से काम करेंगे। इसलिए अभी जो निर्णय लिए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब बच्चों के महत स्थिति को देखते हुए आपातकालीन स्थिति में इन्होंने यह मुद्दा उठाया है, और इस मुद्दा को रखने का काम आपके सामने कर दिया। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई है, सर मंगल पांडे से क्यों नहीं? अब देखिए, सरकारें जो भी राज्य सरकार नीतीश कुमार के नाम से ही जाने जाती है, सुशासन राव कहलाते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी 15 सालों से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और दायित्व उन्हीं का होता है पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, चाहे आम नागरिक के निर्वाह के प्रति उनका दायित्व बनता है, जिसके कारण उनका फर्ज बनता है कि जो भी हुआ है घटना हादसा उसका जो है अति दुखद प्रकट करते हुए नैतिकता को विफलता देखते हुए उनको इस्तीफा खुद ब खुद कर देना चाहिए। क्या रालोसपा भाजपा के प्रति सॉफ्ट हो रही है? देखिए, भाजपा और जदयू के प्रति सॉफ्ट की बात नहीं है ना, ये अपना ट्रेनिंग का संकल्प है, बच्चों के प्रति मर्माहत है, आहत है, जिसके कारण इन्होंने फैसला लिया है। यहाँ भाजपा की क्या बात आती है, भाजपा अलग है, हम अलग हैं। निकट भविष्य में कहीं कोई ऐसी कोई बात कभी नहीं है, और ना हम को लगता है ऐसा कुछ। रालोसपा का अपना निर्णय है, बच्चों के मरमा की स्थिति में आपातकालीन स्थिति में महाधरना का कार्यक्रम और पद यात्रा का। धन्यवाद। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने। दूसरी तरफ मंगल पांडे से उन्होंने इस्तीफे की मांग नहीं की है। उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, ना कि मंगल पांडे। बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को 2005 के पहले जिन लोगों ने देखा है उनको एक बड़े बदलाव को लेकर के कोई संदेह नहीं है। जहां तक बिहार में बच्चों की मौतें हुई हैं, हम सब शोकाकुल और कहीं ना कहीं मर्माहत हैं, लेकिन इस पर जिस तरह की घटिया सियासत जारी है वो कहीं ना कहीं इससे इन नेताओं को शर्मिंदगी महसूस हो या नहीं हो, लेकिन बिहार की जनता जरूर स्तब्ध है कि जब बच्चों को बेहतर चिकित्सा के लिए मिलकर एक रणनीति पर काम करने की जरूरत है, वहां इस तरह के घटिया राजनीति के जरिए जो लोग नीतीश कुमार जी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आज उपेन्द्र कुशवाहा खड़े हैं, बिहार का जो वो काला दौर है, जो बिहार में जंगल राज और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो बिहार की चर्चा होती थी, आज उससे बिहार कहां आगे बढ़कर के आया है, तो इसका जवाब उन्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी ही सियासत करना चाहते हैं तो बार बार जनता ने उनको नकारा है और आगे भी उनकी राजनीति में दुर्गति तय है। क्या भाजपा के प्रति सॉफ्ट होते जा रहे हैं उपेन्द्र कुशवाहा? मैंने जानता कि उन्होंने किसके बारे में क्या कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया, बिहार को देश में एक ऐसी सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचाया जिस पर आज हर बिहारी को गर्व है। जहां तक बच्चों की मौत का सवाल है, निश्चित तौर पर
हम सबों के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन इस पर इस तरह की घटिया सियासत का जवाब जो बिहार की जनता देगी। धन्यवाद। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।